जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। क्या भारत अब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर एक पुलिस स्टेट है? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं पर भी पुलिस की बर्बरता नहीं दिखाई दी? उत्तर प्रदेश में 15 लोगों को मौत के घाट पुलिस उतार चुकी है। अगर आप खामोश रहते पुलिस पर तो बात समझ आती, मगर पुलिस की प्रधानमंत्री ने रामलीला के मैदान के मंच से तारीफ की, वो पुलिस जिसकी बर्बरता की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री आप खामोश रहते तो अच्छा होता, या कम से कम एक शब्द कह देते कि पुलिस संयम बरते, मगर आपने वो तक नहीं किया। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है, आपको लोगों के गम, उनकी तकलीफ, उन्हें लगी चोटों की रत्ती भर परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री क्षमा चाहूंगा, आज मैं इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत दुख की बात है, आज जब मैंने आपको सुना और आपने अपने भाषण में एक नहीं तीन तीन चार जगह पर पुलिस की तारीफ की, सबसे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस बर्बरता की क्या मिसालें आ रही हैं। सुनिए। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो पुलिस न धर्म पूछता है, न जाति पूछता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश देखता है, आपकी मदद के लिए आगे खड़ा हो जाता। सबसे पहली मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा लखनऊ से, राजधानी उत्तर प्रदेश की। आपके सामने सदफ, एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, ये अपना वीडियो कर रही थी, लाइव वीडियो कर रही थी फेसबुक पर, और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्विंट को दिए गए इंटरव्यू में सदफ की बहन ने कहा कि उसकी इतनी पिटाई हुई है थाने के अंदर, एक मां की पिटाई, एक महिला की पिटाई, कि उससे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। आप सदफ का ये वीडियो देखिए। अरे हमने क्या किया जबरदस्ती, हमें क्यों मेरे जाने से क्या मतलब है आपका? आप मुझे कैसे ले जा रही हैं भाई? आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं भाई? हम बहुत शांतिपूर्वक कर रहे थे, जिन्होंने पत्थर चलाया उनको नहीं पकड़ पाई, तो उनको तो तुम पकड़ नहीं पाई। हमारे साथ थे ना वो गुंडे? क्या पता हमारे साथ तो हमारे थे नहीं। गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। मुझे लेके जा रहे, गिरफ्तार किया। और क्या आप जानते हैं, मैंने सदफ का एक और वीडियो देखा था जिसमें सदफ ये कह रही हैं वो कि अपने जो समर्थकों को कि तुम उग्र भीड़ के साथ शामिल मत हो। वो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है इस वक्त सड़क पर नमाज पढ़ने की? एक निहायत ही सेक्युलर सोच की, खुले दिमाग की एक मां, एक महिला जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खैर योगी जी का क्या कहना, वो तो प्रतिशोध की बात कर रहे थे, और शायद वही जो प्रतिशोध शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, वही जो हमें दिखाई दे रहा है पुलिस के रवैये में भी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखिए, यहां पर पुलिस ने बाकायदा गोली चलाई। ये झूठ का पर्दाफाश हो रहा है कि वहां पर पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। अब ये तीसरा वीडियो देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री जब आप पुलिस की तारीफ कर रहे थे तो कम से कम गोरखपुर का ये वीडियो देखिए। एक महिला ने ये वीडियो लिया है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि पुलिस एक दुकान को तोड़ रही है दुकान को, और फिर उस महिला को जाकर गाली बकती है पुलिस। देखिए, मर्द लोग हट जाए। देखिए पुलिस वाले लोग दुकान का ताला तोड़ रहे हैं, ये देखिए देखिए पुलिस, देखिए दुकान बंद करके लोग चले गए हैं और ये लोग तो अपना ताला तोड़ रहे हैं, दुकान वालों का ताला तोड़ रहे हैं। नहीं, ये बना रहे, वीडियो बना रहे हैं।
देखिए यहाँ पे कोई है नहीं, कोई भी नहीं है। धरना देने वाले लड़के बहुत पहले खत्म हो चुका है, एक घंटा पहले के बाद ये पुलिस वाले, ये चार बैकर्स है उसका ताला तोड़ रहे हैं। देखिए और कोई नहीं है वहाँ पे, देखिए ये गेट खोल रहे हैं सब, खोल रहे हैं उधर से रास्ता। हाँ देखिए, देखिए पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं, दुकान वाले सामान लूट रहे हैं पुलिस वाले सब। देखिए देखिए डकैती डकैती कर रहे हैं पुलिस वाले। अब देखिए ये पीछे लाज में लड़के रहते हैं, उधर जा रहे हैं गली में जा रहे हैं जो लड़, ये अंदर जा रहे हैं। हटा जी हटा ये गाली क्यों बक रहे हो? मैं ये भी नहीं भूला हूं उस रात को किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस बाइक्स पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, बाइक्स तोड़ रही थी। जबलपुर का एक वीडियो है दोस्तों, वहां पर पुलिस जो है वो लोगों की कारों को तोड़ रही थी। प्रधानमंत्री, क्या आपको ये तस्वीरें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी? अब ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये भी गोरखपुर की है। मैं गोरखपुर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ वहीं के रहने वाले हैं। इसमें देखिए पुलिस किस तरह से एक लड़के की पिटाई करती है, बेरहमी से पिटाई करती है। दरियागंज में जिन लोगों को चोटें लगी हैं ना मोदी जी, इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जिनको सिर पे चोटें लगी हैं। जिस पुलिस की आप तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री, ये पुलिस और उसकी हकीकत ये है कि वो पैर पर जो है नहीं मार रही थी लाठियां, वो लोगों के सिर पर लाठियां मार रही थी। और मैं अपने इसी शो में पहले बता चुका हूं कि दिल्ली के जामिया में भी, मथुरा रोड पर भी एक रहस्यमय वीडियो आया था जिसमें पुलिस जो है शॉट्स फायर कर रही है, गोलियां चला रही है उसके दो पुलिस वाले। मैंने उस वक्त भी अपील की थी कि इस वीडियो की जांच की जाए, मगर बात यहां नहीं रुकती। जो एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जनता को रामलीला के सामने जो पूरी जनता थी उसमें अपनी लीला में उन्होंने कहा कि हमें संसद के दोनों सदनों की इज्जत करनी चाहिए और आप खड़े होकर उसका अभिवादन करें। देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही थी, इस पूरी बहस के दौरान प्रधानमंत्री, क्या आप कभी भी संसद में मौजूद थे? बताइए, मैंने तो नहीं देखा आपको। क्या आपने इस पर संसद में एक भी बयान दिया? मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। क्या संसद के अंदर जो वोटिंग हुई, क्या आपने उसमें भाग लिया? और फिर आप कह रहे हैं कि हमें संसद की तारीफ करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद की तारीफ और संसद की इज्जत आपकी खुद की पार्टी करती है या नहीं करती है। मुझे एक जो अजीबोगरीब बात लगी प्रधानमंत्री की इस गीत की, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वामपंथी नेता प्रकाश करात और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि इन तीनों ने इतिहास में पहले यह बयान दिया था कि जो धार्मिक तौर पर प्रताड़ित बांग्लादेशी हैं उन्हें शरण दी जाए और जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिया जाए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। बताइए भाई, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा
अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या दीदी? अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? साथियों, आज जिस वामपंथ को भारत की जनता नकार चुकी है, जो अब दुनिया में से सिकुड़ते सिकुड़ते कुछ कोने में रह गए हैं, जो अब समाप्ति पर है, उसी के दिग्गज ये भी जरा देख लीजिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज, उनके नेता प्रकाश कारंत जी ने कहा था कि धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश से आने वालों को मदद की बात उन्होंने भी की थी। देखिए, अगर इन तीनों ने यह बात कही ना कि धार्मिक तौर पर जो प्रताड़ित हैं उन्हें शरण दी जाए, यह बात यकीनन उन्होंने कही थी। और जब मनमोहन सिंह ने वो बात खड़े होकर कही थी तो मैं भी संसद में मौजूद था उस वक्त। सवाल वो नहीं है, सवाल यह कि इनमें से किसी ने यह नहीं कहा था कि मुसलमानों को जगह नहीं दी जाए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें मुसलमानों को जगह ना देकर आप यह साबित कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। और आप जो जहर पिछले 5 सालों से आपके नेता, आपका बिका हुआ मीडिया मुसलमानों के खिलाफ गढ़ रहा था, घोल रहा था, उसी के अंतर्गत अब यह CAA सामने आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए हमारे जहन में शको शुबा पैदा होता है। दोस्तों, आज के इस भाषण में मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में जो जिस तरह से प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है, तमाम न्यूज़पेपर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने वो आर्टिकल देखा होगा, वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल आया था, जो ये आलोचना हो रही है खासकर मुस्लिम विरोध को लेकर, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुस्लिम विरोध को लेकर, ये प्रधानमंत्री को चुभ रही है। उन्होंने ये बात कही कि अगर मेरा ये बिल मुसलमानों के खिलाफ होता तो मैं अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करने का बिल क्यों लेकर आता। दिल्ली के संदर्भ में उन्होंने बात की, सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। एक ही सत्र में 2 बिल पारित हुए हैं, एक बिल में मैं दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं, और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। दोस्तों, ये बात इतनी हास्यास्पद लगती है कि आपको ये समझना होगा कि चाहे अनऑथराइज कॉलोनीज को लेकर आप बिल लेकर आए, इसका मकसद सिर्फ सियासत है। ये कोई इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं है। ये लोकप्रिय लोकलुभावन जो है सियासत है और कुछ नहीं है। इसको लेकर आप अपनी पीठ मत थपथपाइए माननीय। और यही नहीं, उसी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी जो आपके तेवर हैं और उसके बाद जो एनआरसी का हवा बिठाया जा रहा है, उसका भी मकसद सिर्फ और सिर्फ लोकलुभावन सियासत है। और सिर्फ लोकलुभावन सियासत नहीं है दोस्तों, नफरत भरी सियासत है। आप लगातार विपक्ष की इस बात को लेकर आलोचना कर रहे थे कि विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अपनी पार्टी के नेता राजधानी के बीचों बीच कनॉट प्लेस के अंदर देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को जैसे नारे लगा रहे थे और आपके पार्टी के नेता उसे डिफेंड कर रहे थे। मैंने उस आईटी सेल के आपके मुखिया जो है, वो ट्रोल जो है अमित मालवीय, उसको किसी न्यूज चैनल में बोलते हुए सुना कि गलत क्या कहा इसमें कपिल मिश्रा ने। मैं जानना चाहता हूं जो जहरीला प्रोपेगेंडा आपकी पूरी भक्त मशीनरी या आपके नेता फैला रहे हैं इस मुद्दे पर, क्या आपने उस पर कोई टिप्पणी की? क्या आपने उस पर किसी तरह का कोई अंकुश डालने की अपील की? और क्यों नहीं की, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। इस भाषण के अंदर प्रधानमंत्री आप अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं जानता हूं आपका इशारा किस ओर था। आपका इशारा था इस शख्स की ओर, रामचंद्र गुहा, वो शख्स जो शांतिपूर्ण तरीके से बैंगलोर में प्रदर्शन कर रहा था और पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनका हाथ पकड़कर घसीटकर उन्हें ले गई। और फिर आपका आईटी सेल ये कहता है कि इस अर्बन नक्सल को पहचानता कौन है। यकीनन
आप बेशक उन्हें ना पहचानते हो, दुनिया उन्हें पहचानती है, उनके इंटेलेक्ट का लोहा मानती है, और ऐसा करके कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो बीजेपी। प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में एक और बात कही, उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी अभी वजूद में नहीं आया है, मगर एक पत्रकार ने यह बता दिया कि उस पर कितना खर्चा आएगा और उसी खर्च से हम जो है स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। एक टीवी वाले को तो उसके एक महाशय ने हिसाब लगा दिया कि एनआरसी में कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा कहां जाएगा, देश के कितने स्कूल। अरे जो है ही नहीं, दिमाग खाए खपा रहे हो रे। तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, खर्चा कितना आएगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि असम के अंदर जो पूरी कवायद थी एनआरसी को लेकर, उसे लेकर कई सैकड़ों करोड़ों का खर्चा आया था। अब इस पूरे देश में आप इसका खर्चा लगाओगे, अगर आप इसे लागू करोगे, तो जब असम में ही सैकड़ों करोड़ों का खर्चा आ गया तो पूरे देश में क्या होगा। किसान को उसकी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है, नौकरियां हैं नहीं, न्यूज चैनल्स बंद होते जा रहे हैं, वो न्यूज चैनल्स जो आपका प्रोपेगेंडा करते हैं, वहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब आप एक एनआरसी लेना चाहते हैं जहां सिर्फ एक राज्य में इतने करोड़ों का खर्चा होता है, आप पूरे देश में उसे करोगे, तो आपको अंदाजा है? और क्या आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी पे, हमारे स्टेट एक्सचेकर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या आप में से कोई भी यह सवाल कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है? बहरहाल प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात कही, उनका जो कट्टर वर्ग है, यकीनन प्रधानमंत्री का यह भाषण जोरदार था उनका जो भक्त वर्ग है उसके लिए, मगर जो थोड़े दिमाग से सोचेगा, मुझे ऐसा लगे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अब हकीकत से कुछ दूर खुद को पा रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पुलिस स्टेट का अनुमोदन तो नहीं कर रहे हैं। कम से कम पिछले एक हफ्ते में तो यह प्रमाणित हो चुका है कि भारत एक पुलिस स्टेट बन चुका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.